आज फरारी मेथड में हम एक और नया क्वेश्चन डील करेंगे, तो देखते हैं फरारी मेथड होता क्या है। फरारी मेथड में हम लोग एक बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन करते हैं। बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब यानी जिसका हाईएस्ट पावर 4 हो। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले एक्स का पावर 4 और एक्स का पावर 3 वाले टर्म्स को LHS में रखेंगे, बाकी टर्म्स को RHS में भेज देंगे। अब इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड को हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, मतलब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के टाइप में। तो यहाँ पर हमारे पास ये एज अ एक्स स्क्वायर हमें मिल रहा है, यानी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पर एक्स स्क्वायर है हमारा a। अब माइनस 2ab को देखेंगे तो माइनस 2 इंटू ए हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब इंटू हमें यहाँ b चाहिए जो हमें माइनस 10x³ दे दे। अब 2x² हमारे पास है, 10 के लिए हमें चाहिए 5 और x³ के लिए चाहिए हमें x। तो हमारे ये दोनों टर्म्स तो हो गए, x का पावर 4 और माइनस ये 10x³। अब प्लस b² हमें करना पड़ेगा, यानी 5x² यानी 25x². तो ये टर्म हमने LHS में ऐड किया है, तो यही टर्म हम RHS में भी ऐड करेंगे। अब ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर, और इधर 25 माइनस 35 ये हमें देगा माइनस 10x² प्लस 50x माइनस 24 इज इक्वल माइनस 24, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट के अंदर एक टर्म लैम्डा ऐड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 10x² प्लस 50x माइनस 24। अब ब्रैकेट के अंदर लैम्डा ऐड हुआ है, तो यहाँ पर होगा लैम्डा का स्क्वायर ऐड होगा और साथ ही साथ प्लस 2 लैम्डा, और ब्रैकेट में हमारे ये दो टर्म आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इसका स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x। अब एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को हम एक साथ लिख लेते हैं, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट है माइनस 10, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट होगा ये 2 लैम्डा। तो माइनस 10 प्लस 2 लैम्डा एक्स स्क्वायर। अब एक्स के कोफिशेंट को लिख लेते हैं, तो यहाँ से आएगा प्लस 50 और यहाँ से आएगा 5 × 2 = 10, लेकिन एक माइनस का, माइनस 10 लैम्डा एक्स। अब कॉन्स्टेंट हमारा क्या बचा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 24, तो ये हो गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 24। अब इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 से डिनोट कर देते हैं। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट को हम a से डिनोट करते हैं, x के कोफिशेंट को b से, और जो कांस्टेंट टर्म है उसे c से डिनोट करते हैं। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे इक्वेशन 1 या RHS, राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 यानी ये टर्म विल बी परफेक्ट स्क्वायर व्हेन b² इज इक्वल टू 4ac। अब हमारे पास ए बी सी टर्म्स हैं। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें LHS में स्क्वायर पहले से मिला है, अगर RHS को हम स्क्वायर बना दें तो हमारा सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, b² इज इक्वल टू 4ac, तो b हमारा क्या है, 50 माइनस 10 लैम्डा 4, ये माइनस 10 प्लस 2 लैम्डा, और कांस्टेंट टर्म लैम्डा स्क्वायर माइनस 24। तो यहाँ क्या आएगा, 2500 प्लस 100 लैम्डा स्क्वायर माइनस 1000 लैम्डा इज इक्वल टू 4 माइनस 10 लैम्डा स्क्वायर, और क्या आ जाएगा प्लस 240 प्लस 2 लैम्डा³ माइनस 48 लैम्डा, यानी ये हमें क्या देगा, माइनस 40 लैम्डा² प्लस 960 प्लस 8 लैम्डा³ और माइनस ये हो जाएगा 48 और ये 192 लैम्डा हो जाएगा। अभी हमारी लैम्डा में क्यूबिक इक्वेशन बन गई है, इसे एक साथ लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये पहला टर्म आएगा हमारा 8 लैम्डा³, इसके बाद
ये 100 लैम्डा स्क्वायर इधर आके माइनस होगा और माइनस 40 के साथ ही हो जाएगा माइनस 140 लैम्डा स्क्वायर, और ये 1000 इधर होके प्लस होगा, 192 माइनस होगा तो बचेगा 808 लैम्डा, और इसके बाद ये 2500 इधर माइनस होगा इससे 960 से तो ये होगा 1540 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये लैम्डा में हमारी क्यूबिक इक्वेशन है, यहाँ से हमें लैम्डा की तीन वैल्यूज़ मिलेंगी जो मिलती हैं हमें 5, 11 बाई 2 और 7। तो यहाँ सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हमें 5 मिल रही है तो हम 5 वैल्यू को यूज़ करेंगे। अब इस लैम्डा की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो यहाँ से देखते हैं हमें क्या मिलता है। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग पुटिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम 5 वैल्यू डालेंगे। इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, ये तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब माइनस 10 प्लस 2 5 10, तो ये होल टर्म 0 होगा यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट 0, और यहाँ 50 माइनस 10 5 50, ये x का कोफिशेंट भी 0 हो रहा है, तो बस क्या बच रहा है लैम्डा स्क्वायर माइनस 24। लैम्डा क्या है 5, तो लैम्डा का स्क्वायर 25 माइनस 24, तो ये हमें 1 मिलेगा। अब इसके बाद देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। अब इस 1 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में भेजते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये हमें कैसा दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का। यहाँ पर ये पूरा टर्म ए है, ये टर्म बी है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसे भी हम ऐसा ही लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 प्लस 1, और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पर x में दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिल चुकी हैं, तो इनको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करके यहाँ से x की दो वैल्यूज़ और यहाँ से x की दो वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। इसे हम किस तरह स्प्लिट करेंगे, माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x की वैल्यूज़ मिलेंगी 3, 2, यहाँ से x की वैल्यूज़ हमें मिलेंगी 4, 1। तो यहाँ से हमें टोटल x की वैल्यूज़ क्या मिल गई, 1, 2, 3, 4। तो ये था सॉल्यूशन इस बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फरारी मेथड से। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।